इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के पहले 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -2, 4, 10 up to so on इज 148। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमने ये बताना है कि इसकी कौन सी टर्म जो है वो 148 होगी। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी सॉल्व किया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब उसने हमसे पूछा ये है कि कौन सी टर्म जो है वो 148 होगी, कि ए एन जब 148 हो तब आप n की वैल्यू फाइंड करें। a1 हमारे पास गिवन है, -2 प्लस n माइनस वन वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। d हमारे पास होता है डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव टर्म्स, तो हम चाहे इन दो टर्म्स का डिफरेंस ले लें चाहे इन दो टर्म्स का डिफरेंस ले लें, 10 माइनस 4 6 आएगा, 4 माइनस माइनस 2 6 आएगा, सो डी की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6n माइनस 6 और 148 इज इक्वल टू 6n माइनस 8 और 6n इज इक्वल टू 156। ये इधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, n इज इक्वल टू 156 डिवाइड बाय 6, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 26। सो 26th टर्म जो है इस सीक्वेंस की वो हमारे पास 148 है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट ये है, हाउ मैनी टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच ए वन इज 11, a n is 68 and d is 3। क्वेश्चन ये है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें पहली टर्म 11 हो, डिफरेंस 3 हो, जनरल टर्म जो है वो 68 हो, तो आप बताएं कि उस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स होंगी। फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन भी गिवन है, ए वन भी गिवन है, डी भी गिवन है, हमने एन की वैल्यू फाइंड करना है। जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें हमें उसने बता दिया था, इंडिकेट कर दिया था कि ये वाली टर्म जो है वो, फॉर एग्जाम्पल पिछले क्वेश्चन में था कि कौन सी टर्म जो है वो होगी 148। अब इसमें वही है कि ए एन हमें बता दिया गया है और हमने नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइंड करना है, तो ए एन की जगह पे 68 आ जाएगा, ए वन की जगह पे 11 आ जाएगा, प्लस एन माइनस वन वैसे ही आ जाएगा, डी की वैल्यू 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस 3 एन माइनस 3 और 68
इज इक्वल टू 3n प्लस 8 और 3n इज इक्वल टू 60, n इज इक्वल टू 20। सो इस सीक्वेंस में हमारे पास 20 जो हैं वो टर्म्स होंगी। एक्चुअली हमने क्या किया, हमने ये फाइंड किया कि ये जो 68 है ये कौन सी टर्म है। तो हमने देखा कि ये 20th टर्म है। तो एक सीक्वेंस जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो 68 है, तो इसका मतलब है कि उसमें 20 टर्म्स जो हैं वो होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द एंथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n माइनस 1, फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब nth टर्म जो है वो हमें बता दी गई है, जो कि है 3n माइनस 1। हमने सीक्वेंस फाइंड करना है, ए एन इज 3n माइनस 1। हम n की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, तो उससे हम सीक्वेंस बना सकते हैं। जब n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी, ए वन इज इक्वल टू 3 × 1 माइनस 1, विच इज 3 − 1 2। नेक्स्ट टाइम सेकेंड टर्म के लिए n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ए टू इज इक्वल टू 3 × 2 − 1, विच इज 6 − 1 इज 5। थर्ड टर्म के लिए 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 − 1 9 − 1, विच इज 8। फोर्थ टर्म के लिए n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो हमारे पास ए 4 की वैल्यू आ जाएगी 11। तो हमारे पास सीक्वेंस आ गया 2, 5, 8, 11 अप टू nth टर्म विच इज 3n − 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिटरमिन वेदर -19 एंड 2 आर द टर्म्स ऑफ एथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज 17, 13, 9 अप टू सो ऑन और नॉट। क्वेश्चन ये है कि हमने बताना है कि -19 और 2 जो हैं वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होंगी या नहीं होंगी। तो उसके लिए मैं एक पार्ट कर लेता हूं, 19 के लिए, -19 के लिए मैं कर लेता हूं, 2 के लिए आप खुद कर लीजिएगा। सीक्वेंस है 17, 13, 9 अप टू सो ऑन। यहां पे A1 इज 17, D इज 13 − 17 और 9 − 13 इज -4। अब हम क्या करेंगे कि इस टर्म के लिए n की वैल्यू चेक करेंगे। अगर तो n की वैल्यू पॉजिटिव आती है या हमारे पास एक होल नंबर आती है तो तब तो ये होगा कि ये हमारे पास जो है ये टर्म होगी सीक्वेंस की। लेकिन अगर हमारे पास n की वैल्यू नेगेटिव आती है या होल नंबर नहीं आती तो तब हमारे पास वो टर्म जो है वो उस सीक्वेंस की टर्म नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन
इंटू डी। -19 के लिए हमने एन की वैल्यू चेक करनी है, -19 इज इक्वल टू ए वन की जगह पे 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। -19 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस वन इंटू -4। -19 इज इक्वल टू 17 माइनस 4n प्लस 4, और यह हमारे पास हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 21 माइनस सॉरी प्लस 19। तो 4n इज इक्वल टू 40, विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 10। अब n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 आ गई। इसका मतलब ये है कि -19 जो है वो इस सीक्वेंस की 10th टर्म है। तो अब हमने पता चल गया कि ये 10th टर्म है, तो इसका मतलब यह है कि ये सीक्वेंस की टर्म है। अगर n की वैल्यू नेगेटिव आती या होल नंबर ना आती तो तब हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस की टर्म नहीं है। सिमिलरली आप 2 के लिए जब फाइंड करेंगे तो आप चेक करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो एक होल नंबर नहीं आएगी, तो 2 जो है वो इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है। उसके लिए आप खुद सॉल्व करेंगे और यही मेथड यूज करेंगे जो मैंने अभी यूज किया है। देन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ एल एम एंड एन आर द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो दैट एल इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। हमने शो ये करना है, और गिवन हमें ये है कि एल एम और एन जो हैं वो पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर पीथ टर्म है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ए पी इज इक्वल टू एल। सिमिलरली क्यूथ टर्म ए क्यू इज इक्वल टू एम एंड ए आर इज इक्वल टू एन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है जनरल टर्म के लिए, वो हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन टर्म्स को भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे जब, तो हमारे पास ए पी हो जाएगी ए पी इज इक्वल टू ए वन प्लस एन की जगह पे पी आ जाएगा क्योंकि ये पीथ टर्म है, पी माइनस वन इंटू डी। ए क्यू हो जाएगी ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ए आर हो जाएगी ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब हमें इनकी वैल्यूज तो दी गई है, पीथ टर्म की वैल्यू है एल, तो एल इज इक्वल टू ए वन प्लस पी डी माइनस डी। सिमिलरली क्यूथ टर्म है हमारे पास एम, तो एम इज इक्वल टू ए वन प्लस क्यू डी माइनस डी, एंड एन इज इक्वल टू ए वन प्लस आर डी माइनस डी। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसमें एल एम और एन की ये जो वैल्यूज हमने अभी फाइंड की हैं ये पुट कर देंगे। अगर तो उसका आंसर 0 आता है तो राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्रूव हो जाएगा। अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि हम इसको प्रूव नहीं कर सके। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, एल इंटू क्यू माइनस आर प्लस
एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू। अब एल की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने अभी फाइंड की है, ए वन प्लस पी डी माइनस डी। एल की जगह पे आ जाएगा ए वन प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर, प्लस एम की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी ए वन प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी, प्लस एन की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी ए वन प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। इनको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए वन क्यू माइनस ए वन आर प्लस पी क्यू डी माइनस पी आर डी माइनस क्यू डी प्लस आर डी। सिमिलरली इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस ए वन आर माइनस ए वन पी प्लस क्यू डी आर माइनस क्यू डी पी माइनस डी आर प्लस डी पी। इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस ए वन पी माइनस ए वन क्यू, मैं इसको इधर करके लिख देता हूं, नेक्स्ट प्लस पी आर डी माइनस क्यू आर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी। अब अगर हम इनको यहां से देखना शुरू कर दें तो ये प्लस का ए वन क्यू इधर नेगेटिव ए वन क्यू से कैंसिल हो रहा है, ये नेगेटिव ए वन आर इस प्लस ए वन आर से कैंसिल हो रहा है, ये प्लस पी क्यू डी इधर कैंसिल हो रहा है माइनस पी क्यू डी के साथ, ये माइनस पी आर डी ये इधर कैंसिल हो रहा होगा प्लस पी आर डी के साथ, माइनस क्यू डी ये कैंसिल हो रहा है प्लस क्यू डी के साथ, प्लस आर डी ये इधर कैंसिल हो रहा है माइनस आर डी के साथ, माइनस ए वन पी ये कैंसिल हो रहा है प्लस ए वन पी के साथ, प्लस क्यू डी आर ये कैंसिल हो रहा है इधर माइनस क्यू डी आर के साथ, प्लस पी डी ये इधर माइनस पी डी के साथ। तो सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास इसका रिजल्ट जीरो आ गया जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सो हमने प्रूव कर दिया एल इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया, हमने इन टर्म्स की वैल्यूज फाइंड की इन जनरल फार्मूला से और वो हमने पुट कर दी, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ 1 ओवर ए 1 ओवर बी एंड 1 ओवर सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो दैट बी इज इक्वल टू 2 ए सी ओवर ए प्लस सी। अगर हमारे पास 1 ओवर ए 1 ओवर बी और 1 ओवर सी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो हमने शो करना है बी इज इक्वल टू 2 ए सी ओवर ए प्लस सी। अब 1 ओवर ए 1 ओवर बी और 1 ओवर सी जो है ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं डी इज इक्वल टू, वो हम किसी दो कंजेक्टिव टर्म्स के दरमियान फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा
वन ओवर बी माइनस वन ओवर ए, तो ये आल्सो इक्वल होगा इन दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है, वन ओवर सी माइनस वन ओवर बी। इन्हीं दोनों को हम ले लेते हैं और इसी से हम प्रूव कर देंगे। ये हो जाएगा वन ओवर बी माइनस वन ओवर ए इज इक्वल टू वन ओवर सी माइनस वन ओवर बी। वन ओवर बी को इस साइड पे ले आए और वन ओवर ए को उस साइड पे ले जाएं, वन ओवर बी प्लस वन ओवर बी इज इक्वल टू वन ओवर सी प्लस वन ओवर ए। एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो इस साइड पे ये हमारे पास हो जाएगा टू ओवर बी और इस साइड पे हमारे पास हो जाएगा ए प्लस सी ओवर ए सी। अगर टू को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो गया वन ओवर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी ओवर टू ए सी। और हमने प्रूव करना है बी इज इक्वल टू टू ए सी ओवर ए प्लस सी। दोनों साइड्स को इन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बी इज इक्वल टू टू ए सी ओवर ए प्लस सी। तो ये हमारे पास जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर दी। सिंपली हमने कॉमन डिफरेंस लिया दो टर्म्स के दरमियान, पहले इन दो टर्म्स के दरमियान और बाद में इन दो टर्म्स के दरमियान। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सारे सीक्वेंस में सेम होता है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। वहां से हमने उनको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास वो रिजल्ट आ गया जो हमने प्रूव करना था। तो इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन्स को स्टडी करेंगे और अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने के एक फॉर्मूला डिवेल्प करेंगे, और ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक मीन है, इनकी रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट अप्लीकेशंस हैं। वो हम अभी नेक्स्ट दो तीन लेक्चर्स के बाद देखेंगे और उस पर पूरी एक एक्सरसाइज है।